your revision tests are starting. So on next Monday, you will have your first revision test. Syllabus for the same will be first two units, physical world and measurement and kinematics. And syllabus for second revision test will be remaining two units, laws of motion and work energy and power. ठीक है तो अब वर्टिकल सर्कल कर रहे थे हम. लेट्स डू दैट, कंटिन्यू दैट. सो देयर इज वेट, लेट अस से लोएस्ट पॉइंट इज एल एंड एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस डायरेक्शन. सो वी कैन ड्रॉ वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट. हाउ कैन यू ड्रॉ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट? बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. And what are the forces acting on the stone at the lowest point? Weight acting in the downward direction, tension acting in the opposite direction. Tension is acting in the opposite direction. So let us write at lowest point equation. What is the net force, net centripetal force? That is along the radius. Centripetal force mein difference aapko radius ke along lena padega. T1 minus mg is equal to net centripetal force, and the formula of force is mv square over r. So at the lowest point, we write the equation T1 minus mg is equal to mv square over r. Is that clear how we have written? T1 minus mg is equal to mv square over r. Now let us take highest point as well. Highest point. अब इस पे velocity ऐसे बनेगी, velocity at the highest point. So how can you mark the forces? अगर stone यहां पे होता तो कैसे force mark करते? एक तो weight भी इधर ही होता और thread यहां है तो tension भी इधर ही होती. जब थ्रेड ही इधर है तो टेंशन ऊपर थोड़ी ना होगी, होगी तो थ्रेड में ही. तो अब आपका हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्या बनेगी? T2 प्लस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mvh स्क्वायर ओवर r. दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू. दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू. हाँ जी, वी एल लिखा ना मैंने, लोएस्ट पॉइंट पे वी एल, हाईएस्ट पॉइंट पे वी एच लिखा इसको. अब हमारा एम है टू फाइंड T1, T2, VL, VH. चारों चीजें निकालनी है, वेलोसिटीज एट द पॉइंट्स, टेंशन्स एट बोथ द पॉइंट्स. अब इक्वेशंस आर टू, अननोन्स आर फोर, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक एक वैल्यू कम से कम पता नहीं हो. So let us start with the tension at the highest point zero. I told you, घर पे किया किसी ने एक्टिविटी? मैंने कहा था करके देखना और वीडियो बना के भेजना, कुछ नहीं करते. मैंने कहा था कि if you give sufficient velocity at the lowest point, तो आप छोड़ भी दोगे highest point पे तो गिरेगा नहीं. तो इसका मतलब minimum value of tension at highest point can be zero. ठीक है, minimum value tension की zero हो सकती है. So let us start with the zero. So let us say that T2 is zero. So T2 की value तो एक तरह से आ ही गई है हमारे पास. अब put in equation number two. Put in two. क्या आएगा? T2 plus mg. Mg is equal to mvh square over r. यहां से velocity आ गई at the highest point. अंडरवुड गियर, तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी तो मिल गई, बट स्टिल द प्रॉब्लम परसिस्ट. अब हमें T1 और VL दोनों चाहिए, एक इक्वेशन में है वो. अब जब तक एक नहीं पता चलता हम दूसरा नहीं कैलकुलेट कर सकते. सो वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट द लोएस्ट एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट. उससे एक चीज निकल आएगी हमारे पास. सो लेट्स अप्लाई conservation of energy. Let's apply the law of conservation of energy
एट एल एंड एच पॉइंट्स, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट्स इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यही होगा ना। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, हाफ एम बी एल स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी अगर उसको ग्राउंड लेवल ले लें, जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हाफ एम बी एल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर, एम जी और एच कितना है, इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। एच कितना है, इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल हमने आर लिया है तो टू आर हो गया, ठीक है। यहां से एम तो कैंसल आउट हो गया आपका, अब वैल्यू पुट करिए वी एच की यहाँ पे, तो वी एल आ जाएगा, वी एल स्क्वायर बाय टू इज वी एच स्क्वायर बाय टू प्लस टू जी आर, पुट द वैल्यू ऑफ वी एच स्क्वायर हियर, तो ये आ गया आपके पास वी एल अंडर द रूट फाइव जी आर। So we got velocity also at the lowest point, that is more important than velocity at the highest point. So agar hum sufficient velocity dete hain at the lowest point, only then the loop will be completed, only then the vertical circle will be completed. So jo bikeist hai, motor bikeist hai in the circle of death, wo itni velocity se cross karta hai kam se kam, to wo circle complete kar pata hai, nahi to nahi, theek hai। हो गया ये। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर वन, वन में पुट कर दो वी एल स्क्वायर की वैल्यू, अब आपके पास आ जाएगा टी वन। चलिए बताइए आफ्टर सॉल्विंग व्हाट इज टी वन, हाँ जी 6 mg, तो आपका टी वन आ गया 6 mg। सो वी हैव फाउंड ऑल द वैल्यूज टी वन टी टू वी एल वी एच, सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। एग्जाम्पल्स आपने लिख लिया ऑलरेडी, सो दिस इज ओवर नाउ एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। I'm going to share the exercise with you. Okay, so let's do it. ये न्यूमेरिकल पे आओ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 6.4, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। Where k is force constant of the oscillator, for k equal to 0.5 newton per meter, k दिया हुआ है, the graph of v versus x is shown। ये graph देख रहे हो आप, वो दिया हुआ है,
show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x equal to plus minus 2 meter. X निकालना है आपको, एनर्जी दी हुई है 1 joule. V is given 1. So find k from x from here. कितना आ जाएगा? टू आ गया, प्लस माइनस टू आ गया ना, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी दो ही वैल्यूज बनती है. सो दिस वी हैड टू प्रूव कि वन जाउल है तो एक्स इतना होगा, क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, तो दो पोजीशंस होंगी एक्स की, प्लस टू एंड माइनस टू. आगे सब स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, आइए न्यूमेरिकल पे. 6.9. अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पे है तो यू जीरो लो. इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. द पावर डिलीवर्ड टू इट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू. Options are t raised to power 1 by 2, t raised to power 3 by 2, t square. Kiske proportional hai power? Acceleration constant di hui. Aapko acceleration constant di hui hai, power kiske proportional hai time ki? Kaun si power ke directly proportional hai? We are to solve that. Ab power hoti hai force into velocity. F hota hai physical to ma. है ना, और वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम. अगर हम ए लिखें वी बाय टी, तो वी क्या लिख सकते हो? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट आर गिवन. हमें एक्सेलरेशन के बारे में कहा गया, तो लेट इट्स बेटर टू एक्सप्रेस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये आ गया आपका एम ए स्क्वायर टी. अब मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है? फर्स्ट पावर ऑफ टाइम. तो ये आपका आंसर आ गया, पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम डायरेक्टली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो अकॉर्डिंगली यू कैन टिक द राइट ऑप्शन. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग एनसीईआरटी? एक इधर है, एक इधर है, बस इधर नहीं है. कैसे देखोगे सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो उसका थोड़ा सा रिवर्स है. हाँ कर लो, कर लो. सिक्स पॉइंट वन जीरो टेंथ क्वेश्चन में डिफरेंट दिया हुआ है. बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर. अब पावर कांस्टेंट दी हुई है. Its displacement in time t is proportional to what? अब displacement की हमें dependence देखनी है time के ऊपर. When power is constant. So let us see now how we can express power is constant. We have to find s की dependence. अब power force into velocity is a constant. ut plus half at square, u को जीरो ले लो, ठीक है. फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम ए और वी ए टी. एम ए स्क्वायर टी इज अ कॉन्स्टेंट. अब मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर टी इज अ कांस्टेंट. अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है. टी ए इज इक्वल टू, यू कैन राइट कांस्टेंट ओवर अंडर रूट ऑफ टी. ये नीचे ले गए आप, तो अंडर रूट हो गया. इज दिस स्टेप क्लियर?
अब यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिपेंडेंस देखनी है ना, प्रोपोर्शनैलिटी डाल दी हमने यहाँ। ए को पुट किया आपने 1/√2, इसको सॉल्व करिए क्या आता है। ये आ गया, तो सी पार्ट इज करेक्ट। मतलब आपने उस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है जिसकी बात की गई है। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, पहले वो देखना पड़ेगा। वो पावर से रिलेट किया, इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं। हैव अ लुक एट दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टेल मी। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। डेली देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एब्सेंटीज। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर? यस। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। इलेवेंथ, अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। ये कर चुके हैं हम। वर्क निकालना था, 12 जाउल आया था ना आपका आंसर, याद है आपको। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने कहा था न्यूमेरिकल करा दो, तो उसी दिन कर लिया था हमने। हाँ, वर्क इज फोर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, -12 जाउल था। अब देखो 12th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकेंड विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ स्पीड। देयर मासेस आर गिवेन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवेन। तो वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटोन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हमें स्पीड्स की रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। लेट अस फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ½mv² ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, इसकी 10 दी, इसकी 100, यूनिट सेम है तो कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। मास इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का 1 mu, तो यहां से ये VE ओवर VP निकल आएगा आपका। उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आपको रेशियो स्पीड दे देगी। आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि लाइटर हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा, मतलब दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर फास्टर, पर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम दी हुई है काफी, बट इवन देन वही आएंगे फास्ट। चलो करो सॉल्व, लेट अस चेक। रेशियो इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ज्यादा टाइम नहीं होता तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लिया करो, ठीक है। पावर्स कैसे निकालेंगे ये देखो। 1.67 को इग्नोर कर दो, 10^-27, 9 को 10 ले लो, ठीक है। ये आपका हो गया -27 ओवर ये 10^-29, -27 + 29 कितना आ गया, 10^2 अंडर द रूट 10, 10 टाइम्स आ गया है ना।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नंबर लेस देन फाइव को हम वन ले लेते हैं, नंबर ग्रेटर देन फाइव को हम टेन ले लेते हैं। हमने 9.1 को 10 ले लिया, 1.6 को इग्नोर कर दिया, तो उससे ऑर्डर तो ठीक आ ही जाता है। अगर छूटने वाला हो न्यूमेरिकल तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। थर्टींथ क्वेश्चन देखो अब, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड, इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर until at half its original height it attains maximum speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by gravitational force on the drop in the first and second half of the journey? What is the work done by resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second? Data note kar lo, dekho kaise karna hai. Drop of radius 2 mm, velocity at 10, height is 500 meter, decreasing acceleration से half height तक जाती है ये drop, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर लेती है एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ एंड रेजिस्टिव फोर्स का वर्क एंटायर जर्नी इफ द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। यस, कैसे करोगे ये? फर्स्ट हाफ में क्या है, इट फॉल्स विद How much acceleration does it fall with? First half के time पे वो कहते हैं कि ये मतलब कि कितनी acceleration से fall कर रही है? हाँ? Maximum लिखा है? Maximum acceleration से fall कर रही है। ठीक है, हमने work done निकालना है first half of journey में और second half of journey। फिर इसके बाद इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाद कांस्टेंट स्पीड से फॉल करती है और ग्राउंड पे उसकी स्पीड 10 है, इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड भी 10 ही थी, ग्राउंड पे भी वही रहेगी। आप इमेजिन करो ना, एक पैराशूट है, पर शुरू में तो ऐसे ऐसे होता है, कुछ देर बाद वो कांस्टेंट स्पीड से गिरता। तो आपका वर्क डन इन फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एम जी एच ही लगेगा, एच को हाफ ले लो, हाइट को, हाइट को हाफ ले लो। मास ऑफ ड्रॉप कैसे निकालना है? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम का कैसे लिखोगे? एरिया इनटू लेंथ, वो तो चलो रहने दो। वॉल्यूम कौन सा है? स्फेरिकल ड्रॉप है ना, तो वॉल्यूम लोगे 4/3 πr³। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg/m³। ड्रॉप वाटर की है ना, तो डेंसिटी उसकी पता ही है हमें। रेडियस दिया हुआ है, पुट करो। पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, मास 2 mm, तो ये मास पहले तो आ जाएगा। मेन यही है कि मास नहीं दिया हुआ, बस आपने एमजी एच बाय 2 कर देना है फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी के लिए हम स्पीड को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो देखो जरा। बिकॉज वट एवर पोटेंशियल एनर्जी इट वॉज हैविंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम। हो जाएगा सॉल्व, आइडिया मिल गया ना। तो ये एमजी एच बाय 2 कर लेना इसका। फोर्टींथ देखो, अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल।
मॉलिक्यूल है वॉल को हिट कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री विद द नॉर्म, एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड। इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन द कोलिजन, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक, हमें ये निकालना। कोलिजन तो इलास्टिक ही है, मोमेंटम कंजर्व्ड ही होती है। अगर वो सेम स्पीड से वापस आ रहा है गैस मॉलिक्यूल तो कोलिजन इलास्टिक ही है, और मोमेंटम तो सभी में कंजर्व्ड होती है, चाहे इलास्टिक होती है ना होती, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस रिएक्शन ऑल्सो। अब हमें निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है कि कुछ सॉल्व करने को नहीं कहा हुआ। हाँ बस ये पूछा है मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं, बस इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आंसर आपके सामने ही। क्वेश्चन नंबर 15, अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट्स, इन 15 मिनट्स। If the tank is 40 meter above the ground and efficiency of the pump is 30%, how much electrical power is consumed by the pump? Input कितनी है, मतलब input power निकालनी है आपको। देखो pump कैसे चल रहा है, electricity से चल रहा है, हम switch on करते हैं, it lifts the water to certain height, तो जो output power है वो किस form में है? What is the form of output power? Mechanical work. Work is being done by the pump. So mechanical work कितना है? MGH. ठीक है, तो efficiency का formula लगाते हैं, किसी भी device की efficiency होती है output over input power into 100. Efficiency is output, mechanical work, mechanical power over input electrical power that we want to calculate multiplied by 100. अब efficiency है 30%, output mechanical power को आप लिख सकते हो MGH over time, और input mechanical power आपने निकालनी, ठीक है, ये आपने solve करनी। तो 0.3 ये x आ गया आपका, टाइम दिया 15 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये एफिशिएंसी नीचे आ गई आपकी MGH। अब मास नहीं दिया हुआ ना वाटर का, अगेन यूज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 30 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg per meter cube, तो ये मास आ गया आपका 30,000। जी 9.8 या 10 व्हाटएवर, और एच है 40। यहां से वाट में आपके पास इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। कोई वैल्यू क्लियर नहीं हुई हो, मास निकालना पड़ा बस, बाकी तो दिया हुआ है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इनपुट कौन सी स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है, और आउटपुट क्या है, पंप ने वर्क किया इन लिफ्टिंग द वाटर थ्रू सर्टेन हाइट, तो वो जो मैकेनिकल पावर है दैट इज मैकेनिकल वर्क ओवर टाइम, MGH ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 आप ट्राई करोगे कल, वी हैव डन अप टू 15th क्वेश्चन, ब्रिंग योर एनसीईआरटी टुमारो, एंड आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ आज का, क्वेश्चन नंबर 22, 23 यूनिटरी मेथड ही लगना है और एफिशिएंसी लगनी है इसमें, वो आप घर से ट्राई करोगे, ठीक है।
22 एंड 23 आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस. हाँ बोलो. गैस कोलिजन्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन वैसे भी इलास्टिक होती है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वही गैस मॉलिक्यूल्स है इसकी. हाँ, अगर कैसे पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता बिफोर एंड आफ्टर. काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है आपकी, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वड है इसलिए इलास्टिक कोलिजन. क्या कह रहे हो? बस. यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क?